सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव तिथि शीघ्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर पूर्व पदाधिकारी अजय अनंत के नेतृत्व में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं के कार्मिक अनशन कर रहे हैं। कार्मिक अनशन के दूसरे दिन अधिवक्ताओं ने गुलाब के फूल के साथ गांधीगिरी की तथा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य मधुसूदन त्रिपाठी को गुलाब का फूल देकर अतिशीघ्र चुनाव कराने की मांग की। अनशन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना था कि वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल अगस्त 2019 में ही समाप्त हो चुका है, परंतु वर्तमान कार्यकारिणी चुनाव नहीं करा रही है, इसलिए मजबूरन अधिवक्ताओं को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडवोकेट अजय अनंत तथा बार काउंसिल के सदस्य मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा, सर विरोध स्वरूप उन लोगों को गुलाब दे करके रिक्वेस्ट किया जा रहा है और आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है। बहुत जरूरी हो गया है, बार काउंसिल के बाइलॉज का उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे मंत्री के कान में क्यों आप डालिए, प्रस्ताव ने है इनको गुलाब का फूल इस संदर्भ में दिया जा रहा है कि लोग नैतिकता से अपना चुनाव करा दे, ये अपना बार का मामला है, बार में ही रहे। भाई तो कल से झाड़ू लेकर आ रहे हैं, के अनुसार कल से अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू किया है। अगर जो कल तक कोई परिणाम नहीं मिला तो सोमवार से हम लोग हमरा अनुशन पर बैठेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी ये बार एसोसिएशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन का मान मर्दन कर रहा है जिम्मेदार पदाधिकारी जो अनैतिक ढंग से पदों पर विराजमान है उनकी होगी और ये हमारा निर्णय अडिग है। हमारे वहाँ अधिवक्ताओं में ये आक्रोश है कि हमारे वहाँ बार एसोसिएशन का चुनाव जो है वो आज साल भर से ऊपर हो गया हुए, जबकि हमारे वहाँ ये है कि एक वर्ष तक ही कार्यकारिणी रह सकती है, लेकिन यह कार्यकारिणी हमको लगता है 18 महीने से ऊपर रह रही है। इसलिए अधिवक्ता आक्रोशित हैं कि चुनाव होना चाहिए, अध्यक्ष मंत्री चुनाव कराने से भाग रहे हैं, उसी को ये लोग लोकतांत्रिक तरीके से गुलाब का फूल लेकर के विरोध कर रहे हैं कि चुनाव तत्काल होना चाहिए। और मैं इन लोगों से कहा हूँ कि अगर ये लोग लीक करके दें तो इस पर बार काउंसिल हस्तक्षेप करेगी कि क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं।